नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले एमए एंट्रेंस रिजल्ट की। तो मैंने एक बारी भी रिजल्ट अपडेट किया था कि जब संस्कृत वालों का आया था तो मैंने कहा था कि जब भी एंट्रेंस रिजल्ट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे एचपीयू ने सभी बच्चों को खुशखबरी दे दी है। जैसे ही आपको पता है कि फाइनल ईयर वालों का रिजल्ट भी आया है, वैसे ही अब एमए एंट्रेंस रिजल्ट भी काफ़ी सारे बच्चों के काफ़ी सारे सब्जेक्ट में आए हैं। तो चलिए डायरेक्ट वेबसाइट पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, हम रिजल्ट के सेक्शन पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे रिजल्ट जो आ चुके हैं। अभी मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ किनका यार कैसे चेक करना है। देखिए यहाँ पे बीबीएस स्टूडेंट का एडमिट कार्ड, ये तो अलग से नोटिफिकेशन। चलिए हम रिजल्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एमए इकोनॉमिक्स, इनका एंट्रेंस रिजल्ट आ चुका है। एमए हिंदी का एंट्रेंस रिजल्ट आ चुका है। एमए साइकोलॉजी का एंट्रेंस रिजल्ट जो है आ चुका है। एमकॉम का आ चुका है, हिस्ट्री का आया है, और माइक्रोबायोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट इनका भी रिजल्ट आया है। तो देखिए एमटेक बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट इनका भी आया है। तो इसी तरह से इतने सारे रिजल्ट है जो आप आज यहाँ पे घोषित कर दिया है। देखिए हिस्ट्री, हिंदी, इन सभी का, देखिए साइकोलॉजी हो गया हमारा और इकोनॉमिक्स हो गया, इन सभी के जो रिजल्ट है वो यहाँ पे घोषित हो चुके हैं। तो डाउनलोड कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इसका डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। तो देखिए आपको करना क्या है कि जैसे हिंदी का है तो मैं इस पर हिंदी पे क्लिक करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक किया, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आपको डाउनलोड करना है और यहाँ पे देखिए पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही पीडीएफ ओपन होता है यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि आपको रोल नंबर मैच करना है, जो भी आपका रोल नंबर होगा और उसके आगे आपके मार्क्स लिखे होंगे, ठीक है। तो रिजल्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मुझे लग रहा है। तो आप सभी को शुभकामनाएं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर